मथुरा में रात 12 बजते ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया। जन्माष्टमी के कई रंग मथुरा वृंदावन में देखने को मिले। इस बार भक्तों की भीड़ ने पिछले साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। मथुरा में भक्तों की भीड़ बीते साल करीब 40 लाख थी, इस बार ये आंकड़ा काफी बढ़ गया है। मथुरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 41,22,000 श्रद्धालु कान्हा के दर्शन करने मथुरा पहुँचे। दूसरी तरफ वृंदावन का रुख करीब 5 लाख भक्तों ने किया। जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें 6 से 10 सितंबर तक 80 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का आने का उल्लेख था। मथुरा और वृंदावन में 700 के करीब छोटे बड़े होटल, आश्रम और धर्मशाला हैं। इनकी क्षमता 25,000 के करीब रही। इन सभी ने पहले से ही बुकिंग करा रखी थी। मथुरा शहर में सार्वजनिक पार्किंग में से कारों की व्यवस्था की गई। इन सबके बीच लाखों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। पिछले साल की तुलना में इस बार भक्तों की संख्या 41 लाख के पार कर गई। आप जब जन्माष्टमी आई है, जन्म भूमि कैसा लगा? बहुत आनंद आया, बहुत ही भगवान जी के बहुत अद्भुत दर्शन प्राप्त हुए और भगवान जी के श्रद्धालु भक्तों के यहाँ पे बहुत दर्शन हुए। हम पहली बार भगवान जी की जन्मभूमि पे जन्माष्टमी पर आए, पर बहुत अच्छा लगा हमें। भगवान जी से प्रार्थना है कि हर साल हमें यहाँ पे सुरक्षा को लेकर बात करेंगे, कैसी व्यवस्था प्रशासन की आपको लगी? बहुत आनंद आया, सब कुछ बहुत अच्छा, व्यवस्था भी बहुत अच्छी की हुई है, श्रद्धालु भक्तों ने यहाँ पे बहुत अच्छी, फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, सब कुछ। दूसरी तस्वीर गोकुल की है, जहां भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद गोकुल में खुशियां मनाई जा रही हैं। यहां मंदिर से लेकर रास्तों तक श्रद्धालु नाच गा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के पिता को बधाई दे रहे हैं। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद खुशियां मनाई गई। नंद महोत्सव सबसे पहले गोकुल में ही मनाया गया है और इसके बारे में यह है कि रात को लाला का जन्म होता है 12 बजे। 12 बजे के बाद में ठाकुर जी को फिर महाभोग आते हैं। महाभोग आने के बाद में सुबह लाला पलना में झूलते हैं और नंद बाबा लाला के जन्म की खुशी में नंद महोत्सव मनाते हैं। यह नंद महोत्सव 1 वर्ष तक चलता रहा और 1 वर्ष तक नंद महोत्सव चलते चलते लाला की छठी कन्या यशोदा मैया नंद बाबा भूल गए। तो जन्माष्टमी से एक दिन पहले गोकुल में मुख्य रूप से छठी लाला की मनाई जाती है, जिसके बाद दूसरे दिन जन्माष्टमी और जन्म के दर्शन होते हैं रात को 12 बजे। सुबह नंद महोत्सव होता है। यह मंदिर श्री नवनीत प्रिया जी राजा ठाकुर मंदिर है, जिसके स्वामी मालिक तिलकायत गोस्वामी श्री 108 श्री राकेश जी गोस्वामी एवं युवराज श्री विशाल बाबा श्री हैं, उनके सानिध्य में ही, उनके आदेशानुसार ही यह नंद महोत्सव चला आ रहा है, पूर्व से ही चला आ रहा है। क्या महत्व है इसका? ये मंदिर जो है, जिसका नाम है श्री नवनीत प्रिया जी राजा ठाकुर, नवनीत नाम होता है माखन का और माखन के प्रिय जो भगवान है वो नवनीत प्रिया जी हैं, इसलिए इस मंदिर में जो नंद महोत्सव होता है माखन प्रिय वाल्मीकि नवनीत लाल प्यारे का नंद महोत्सव होता है। गोकुल श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, भूमि है, इसलिए यह मनोरथ जो होते हैं यहाँ पर नंद महोत्सव के सबसे पहले गोकुल में ही होते हैं और गोकुल का ही नंद महोत्सव सर्वोपरि है, सर्वविदित है। यह मंदिर श्री राय केसी गोस्वामी महाराज श्री का है और यहाँ नंद महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया।